अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू साइमाज किचन। आज मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी कह लें या पराठा कह लें, बहुत ही मज़े का बनता है। इसको रायते के साथ या इसको लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है और साथ इसके हम लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। चले देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप मैंने आटा लिया है, नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है वो लिया मैंने। 1 मीडियम प्याज स्लाइस यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ हरा धनिया कटा हुआ लिया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना है। अनारदाने को मैंने अच्छी तरह धो लिया ताकि इसमें से मिट्टी रेत निकल जाए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। यहाँ पे 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा धनिया। आपने पाउडर नहीं लेना या आपने साबुन नहीं लेना, धनिया मैंने यहाँ पे कुटा हुआ लिया है। चले इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बोल में यहाँ 2 कप बेसन है, इसमें डाल दूंगी जो 1 कप मैंने आपको आटा बताया ये चला जाएगा, प्याज स्लाइस किया हुआ ये चला जाएगा इसमें, अदरक लहसुन की पेस्ट, अनारदाना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये कुटा धनिया, जीरा, कुटी लाल मिर्च और नमक, ये भी चला जाएगा इसमें। और साथ इसमें डाल दूंगी ये 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। पानी आपने अभी नहीं डालना क्योंकि ये जो प्याज है, प्याज धनिया जो वेजिटेबल हमने डाली है इसका भी पानी निकलेगा। पहले इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। ये सारा प्याज सारा कुछ मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी और हमने इसको बहुत ही सख्त गूंदना है। जैसे नॉर्मल आटा हम घर में गूंदते हैं ना, उससे हमने थोड़ा इसको सख्त रखना है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। 1 कप मैंने पानी लिया था अभी। ये देखिए पूरा 1 कप पानी इसमें चला गया है। पहले हम रोटियां जो बनाते थे बेसन की, वो उसे कहते थे मिसी रोटी, जो तंदूर से लगती थी और उसके ऊपर हम देसी घी लगाते थे और चाटी की लस्सी के साथ उसको खूब इंजॉय किया जाता था। बड़े शौक से बच्चे बड़े सब खाते थे, लेकिन ये थोड़ा आसान हो गया है कि हम घर में भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 कप ही पानी बहुत है। अब इसको हम इसी तरह गूंदेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। इतना सख्त हमारा ये आटा होना चाहिए, ये देखिए इतना सख्त। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह गूंद लिया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। आटा गूंद के तो मैंने 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं लूंगी आटा हाथों को लगाने के लिए। अब हमने ये जितनी हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम ये पेड़ा लेंगे और ये देखें इसको हम इस तरह थोड़ा सा प्लेट के ऊपर डस्ट करेंगे ताकि साथ ना चिपके। अब ये हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह मैं ये दूसरे भी पेड़े बना लूँगी। नमक आपने देख लेना है, अगर कम हो तो आप और डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था और कम था और थोड़ा मैंने और डाल दिया इसमें। अब यहाँ पे मैंने पेड़े सारे बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं सूखा आटा डस्ट करूँगी ताकि हमारी रोटी इजीली बन जाए। अब इसको हम इसके ऊपर भी डालूँगी और इसको मैं बेलन की मदद से हल्के हल्के आँच से प्रेस करूँगी रोटी की शेप में। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तवा जो है मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसको हम तवे पर सेक लेंगे रोटी को। रोटी को हम तवे पे सेक लेंगे। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर मैं डालूंगी ये रोटी और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। मीडियम फ्लेम इसकी मैंने की हुई है। ये 1 मिनट के लिए इसको सेक लिया। अब इसको मैं पलट लूंगी। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। फिर इसको पलट लेंगे। अब इसको हम नीचे से गोल्डन होने देंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता सी ये रोटी बनेगी।
अब इसको हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा ऑयल लगाएंगे। बस इसी तरह हम उल्टाते पलटाते इसको गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये देखिए इसको मैं उतार लूँगी। अब इसी तरह हम दूसरा पेड़ा लेंगे और उसको भी इसी तरह हम तवे पे डालेंगे। इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी इसी तरह बेल लेंगे जिस तरह हमने पहली रोटी को बेला है। अब इसको भी हम तवे पे डाल देंगे। अब इसी तरह दूसरी रोटी भी मैं डाल दूंगी और एक मिनट इसको हम सिकने देंगे। अब मैं इसको पलट लूंगी और इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। अब इसको पलट के दूसरी तरफ से भी हम ऑयल लगा लेंगे और इसको भी हम उसी तरह गोल्डन करेंगे जिस तरह हमने पहले रोटी को किया। इसको भी मैंने अच्छी तरह गोल्डन कर लिया। अब इसको मैं प्लेट में डाल दूंगी। बेसन वाली रोटी बनके बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही मज़े की और टेस्टी लग रही है। ऊपर मैंने इसको मक्खन के साथ गार्निश किया है। आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें, और साथ इसके आप लस्सी ज़रूर रखें। अगर आपको ये मेरी बेसन की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त है, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।